नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार रेडियो चैट। यूपी पुलिस अपने जिन असलों के बल पर सूबे के बड़े बड़े अपराधियों को ठाए ठाए मार गिराने का दम भरती है, वहीं यूपी के बलिया में हथियार एक छोटे से प्रदर्शन के दौरान मीडिया के कैमरे के सामने पुलिस को धोखा दे गए। ताजा मामला यूपी के बलिया पुलिस परेड ग्राउंड से है, जहां पर जिला अधिकारी भवानी सिंह खंगारौत व पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित दंगा नियंत्रण रिहर्सल के दौरान पुलिस की जमकर बेइज्जती हुई। आपको बताते चले कि जनपद के सभी थाना अध्यक्षों व सर्किल अफसरों की मौजूदगी में काफी तामझाम के साथ शुरू हुए इस दंगा नियंत्रण रिहर्सल के दौरान जब पुलिस के जवानों व अधिकारियों ने असलों से फायरिंग शुरू की तो एक एक कर सभी असले जवाब देते गए और किसी भी असले से कोई भी फायर दिन के उजाले में नहीं हो पाया और फायरिंग के दौरान सभी असलों की कारतूसें मिस हो गईं, जिससे ग्राउंड पर यूपी पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। वहीं रिहर्सल देखने पहुंचे दर्शक भी पूरी तरह से भौचक के रह गए। सबसे आश्चर्य तो ये हुआ कि ये देखकर तब हुआ जब लाखों रुपए खर्च कर ट्रेनिंग से लौटे पुलिस के जवानों ने हाथ से फेंकने वाले आंसू गैस के गोलों को भी ठीक से नहीं फेंक पाए, जिससे गोला मैदान में नहीं फट पाया। वहीं लगातार असफलता से जवानों के गिरते मनोबल को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ हंस हंस कर जवानों का हौसला अफजाई करते रहे। वहीं माहौल को बदलने के लिए एसपी के साथ कदम ताल मिलाते हुए डीएम आगे आकर एक असले फायरिंग कर माहौल को बदल दिया। बहरहाल गोलियों के मिस होने के इस पूरे मामले पर जहां पुलिस लाइन के हेड आर्मोरन ने बताया है कि बीते दिनों हुई बारिश व जल भराव के चलते असलों के बुलेट मिस कर गए, तो वहीं एसपी के अनुसार मिस बुलेट डमी बुलेट थे, जो एक गहन जांच का विषय है। समाचार एटू जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। दीपावली त्योहार और कई चीजें हैं जिसके कारण दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रशिक्षण के बारे में आज एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें जनपद के एसओस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल और निरीक्षक सम्मिलित हुए। सबको विशेष रूप से दंगा नियंत्रण उपकरणों के बारे में बताया गया और उसके कुछ रिहर्सल्स भी कराए गए। इससे पहले ये देखा गया कि कभी भी दीपावली पर यहाँ पुलिस लाइन में इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं राम मंदिर का वो जो आने वाला है इसके लिए रिहर्सल किया जा रहा है क्या? ऐसा केवल एक ही चीज़ के लिए नहीं है, यह दंगा नियंत्रण स्कीम हमेशा प्रचलित में है और इसका रिहर्सल करना चाहिए और किया जाता रहा है और पहले भी किया गया होगा और हम लोग तो हमेशा इसको कराते रहते हैं, पुलिस लाइन में इनको प्रशिक्षित करते रहते हैं बुलाकर। आज उसी कार्यक्रम के तहत इसको प्रशिक्षित कराया गया है और इन्हें बताया गया है इन उपकरणों के बारे में और त्योहारों और मेला आज को सदृष्ट रखते हुए सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि कई कॉटेज फेल, कई गोलियां मिस हो गई हैं, जहां वो गोलियां ऐसी मिस नहीं हुई हैं, वो गोलियां डमी गोलियां थी और डमी गोलियों को पहले लोगों को बताया जाता है कि कैसे होगा, इसका क्या कार्यक्रम है, उसके हिसाब से कार्यक्रम। तो देखा जा रहा है सर, कई जवान आपके डेमोंस्ट्रेशन में फेल देखे गए, जो ग्रेनेड कुछ इसीलिए तो प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था ताकि सभी लोगों को सही तरीके से समझा दिया जाए कि किस चीज का उपयोग कैसे होगा। सर, कितने जवानों का प्रशिक्षण दिया गया? आज जितने लोग यहाँ उपस्थित थे 100 से ज्यादा लोग करीब उपस्थित थे।